युवाओं को मेरा राकेश भारेल का सादर जय जिनेन्द्र। स्टॉप देश की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉप देश जी का 45वें नंबर का श्लोक। और तो चलिए शुद्ध उच्चारण के साथ फिर शब्दार्थ की ओर चलेंगे। तो शुरू करते हैं। परहा परहा, देखिए ये विसर्ग है ना, जो इसका उच्चारण भी अपना सही होना चाहिए। व्याकरण के अनुसार जो ये विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण आधे हा के बराबर होता है। जैसे हा है ना, इस हा का उच्चारण पूरा होता है हा, लेकिन विसर्ग का उच्चारण हा के उच्चारण का आधा होता है, जैसे अर्ध हकार के बराबर। तो हल्का सा हा बोलना पड़ता है परह, इस प्रकार से। परह परस्ततो दुख दुख, ठीक है, दुख मात मई वात्मा, इसको ठीक से पढ़ लें, दुख मात मई वात्मा, मात मई वात्मा। ततः सुखम, ततः सुखम, ठीक है। अतएव महात्मानस, अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमाः, तन्निमित्तम कृतोद्यमाः, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं लय के साथ। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस, यहाँ तक पढ़ेंगे, तन्निमित्तं कृतोद्यमाः, ठीक है। कई लोगों को यहाँ ये जो दुख शब्द है ना, ये भी हिंदी में आजकल इसका बिगड़ा हुआ रूप नजर आता है। ये जो विसर्ग है यह होना जरूरी है, लेकिन आजकल हिंदी में बिना विसर्ग का केवल दुख लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो गलत है, संस्कृत की अपेक्षा से ये विसर्ग होना जरूरी है बीच में। तो अब चलिए अर्थ देखते हैं सामान्य से। क्या कहते हैं इसमें कि परह परस्ततो, ये जो परह ये जो सा है ना, ये भी विसर्ग बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो विसर्ग ही था, संधि करके सा बन गया। तो परह परह, फिर यहाँ पर ततो है तो यहाँ भी विसर्ग हो जाएगा, ततः हो जाएगा, है ना। तो परह फिर ततः, और ये पहले तो है ही एक। तो परह परह जो पर वस्तु है वो तो पर ही है, जितने भी पर वस्तुएं हैं, भिन्न वस्तुएं हैं आत्मा से, वो पर हैं। ततः दुखम, इसलिए दुखम दुख होता है। यहाँ पर माँ को, आधे माँ को दुख के साथ जोड़ देंगे तो दुखम हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा बड़ा आ, दीर्घ आ, तो आ। अब यहाँ पर देख लीजिए, आत्मा हो गया, अब यहाँ पर निकलेगा आत्मा प्लस एव प्लस आत्मा, आत्मा, और यहां से निकलेगा एव। ये यहां पर कौन सी संधि हुई है, अब आप लोग बताइएगा। बहुत बार हम बता चुके हैं, यहां पर मा, यह है आ और प्लस ए, दोनों मिलकर के बनेगा आई। अब आप लोगों को YouTube के कमेंट्स बॉक्स में लिखना है यहाँ पर कौन सी संधि है, ठीक। तो ये यहाँ पर संधि होकर के आई बन गया, तो आत्मई एव आत्मा, आत्मा ही आत्मा है, पर वस्तु पर ही है और आत्मा आत्मा ही है। तो क्या होता है, पर वस्तु से ततः दुखम, इस कारण से दुख होता है, और ततः सुखम, इस कारण से या इसलिए सुख होता है, ठीक। पर वस्तु पर है इसलिए
दुख होता है और आत्मा आत्मा ही है इसलिए सुख होता है। ये किस कारण से बताई जा रही है बात? ये जब ध्यानलीन अवस्था में जब बताया गया कि पर वस्तुओं से पूरी तरह से छूट जाता है, वो ध्यान भी नहीं करता साधक, यहाँ तक कि किसी भी वस्तु का चिंतन वहाँ पर नहीं होता है, निर्विकल्प अवस्था होती है, विकल्पों से रहित होती है। और पर वस्तु में विकल्प तो बिल्कुल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पर वस्तुएं तो दुख के कारण है। अतएव महात्मानः, इसीलिए ही महात्मानः, जो महात्मा पुरुष होते हैं, ये विसर्ग हो जाएगा इसका, तन्निमित्तम, ये है तत्निमित्तम, तत्निमित्तम, तन्निमित्तम उसी प्रयोजन के कारण से या उसी कार्य के लिए, उसके निमित्त कृतोद्यमाः, उद्यमाः कृतः, यहां भी कृतः हो जाएगा, ठीक है? कृतः मतलब किया, उद्यमाः उद्यम, प्रयत्न, परिश्रम, पुरुषार्थ, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये पूरा क्या निकला कि पर वस्तुएं पर ही हैं, वो दुख इसलिए दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है ना, आत्मा ही आत्मा है इसलिए सुख होता है। इस कारण से जो महापुरुष होते हैं, उन्होंने तन्निमित्तम कृतोद्यमाः, इस आत्मा के लिए ही क्या किया है? पुरुषार्थ किया है, ठीक है? विशेष अर्थ अभी आगे व्याख्या में देखेंगे। अगला श्लोक अभी समझते हैं अपन। तो चलिए अब हम 46वें नंबर के श्लोक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे। क्या है उच्चारण? अविद्वान, ठीक है, अविद्वान पुद्गलद्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत्। ओके, अविद्वान पुद्गलद्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतोह सामीप्यम, ना जातु जंतोह सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं। अविद्वान पुद्गलद्रव्यम, ठीक है, ये संयुक्त अक्षर है ना, तो अपन द्वित्व करके पढ़ेंगे। द्वित्व का अर्थ क्या होता है? किसी ने पूछा था द्वित्व मतलब क्या? द्वित्व मतलब डबल करना। तो यहां पर जो दा है ना, ये दा आधा दा है, ध्यान रखना, ये आधा दा और पूरा रा ऐसा है, दिख रहा है पूरा दा और ये आधा रा, लेकिन ऐसा नहीं है, दा आधा है इधर और रा पूरा है। तो जो आधा दा है ना, इसको हम द्वित्व करते हैं, मतलब डबल उच्चारण करते हैं। तो ऐसे पुद्गलद्रव्यम, इस प्रकार से अविद्वान पुद्गलद्रव्यम योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। ठीक है, हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। देखते हैं सामान्य से पहले अर्थ। अविद्वान क्या कह रहे हैं? पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति, यहां से निकलेगा यह, ठीक है, और यहां आ जाएगा अभिनंदति, अभिनंदति। तो अब इसको ले लेंगे अपन पहले। यह मतलब क्या बताया था हमने पहले? जो जो अविद्वान, अविद्वान मतलब जो विद्वान नहीं है वो अविद्वान कहलाएगा। विद्वान मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी, और अविद्वान मतलब अज्ञानी, बुद्धू जिसे हम कहते हैं, और आगम की भाषा में कहलाएगा बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो ऐसा बहिरात्मा जीव, जो बहिरात्मा, जो अविद्वान पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति,
पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, मतलब उसको ज्यादा अपना मानता है, पुद्गल द्रव्यों को। तो क्या होता है, तत् मतलब वह, कौन वह है, वह पुद्गल द्रव्य। जातु, अब नीचे आ जाएंगे, जातु मतलब कभी भी, जातु मतलब कभी भी। तस्य जंतोः सामीप्यम्, उस जंतु का सामीप्य मतलब उस जीव का सामीप्य या फिर उस जीव की निकटता। चतुर्गतिषु न मुंचति, चारों गतियों में भी न मतलब नहीं, मुंचति मतलब छोड़ता है, मुंचति मतलब छोड़ता है। चतुर्गतिषु चारों गतियों में कौन, तत्, तत् मतलब वह पुद्गल द्रव्य। तो क्या अर्थ निकला कि जो अज्ञानी या बहिरात्मा पुद्गल द्रव्यों को अपना मानता है, उनको पसंद करता है, तो फिर कभी भी बेपुद्गल द्रव्य उस जंतु को, उस जीव की निकटता को चारों गतियों में भी नहीं छोड़ते। मतलब वह पुद्गल द्रव्यों को अपना मानता है तो पुद्गल द्रव्य उसको चारों गतियों में छोड़ते नहीं है, उसके निकट ही बने रहते हैं, उसके समीप बने रहते हैं। मतलब वो परिग्रह आदि या फिर इन सारी वस्तुओं से, पुद्गलों से छूट नहीं पाता है। इसलिए हमें जो ध्यान करने वाले साधक होते हैं वो सब इन पुद्गलों से दूर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी व्याख्या और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि पिछले श्लोक में एक बात आई थी, क्या कहा था कि जब तक व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति अनभिज्ञ रहता है तब तक तत्संबंधी कर्मों से वह बंधने से छूट जाता है, बच जाता है। यदि हम वस्तुओं के प्रति ज्यादा ज्ञान ना रखें, उनकी विशेषताओं को ना जानें, तो उनसे हमारा राग और द्वेष, ये इनका जो गैप है वो बना रहता है। ना उस किसी वस्तु से राग होता है, ना द्वेष होता है, और उससे, उसके कारण से उनसे कर्मबंध भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा परिचय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही राग और द्वेष भी अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। अब बात ये आती है कि क्या चिंतन करके व्यक्ति इन बातों को समझता है और उस दशा को प्राप्त करता है। तो आगे फिर उसी कड़ी में एक अगला अलग तरीके का श्लोक दिया है, जो हमने सामान्य से अभी समझा कि परह परस्ततो दुःखम्। जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है कि परह परह दूसरी वस्तु दूसरी है, पराई वस्तु पराई है, और यदि उसको हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो दुख ही मिलेगा। और आत्मैवात्मा तथा सुखम्, और जो आत्मा है वो आत्मा ही है और वह, उससे हमें हमेशा सुख ही मिलेगा। पर पदार्थों से दुख मिलेगा क्योंकि वो पर हैं, दूसरे के हैं, और आत्मा हमारा खुद का है, उससे हमेशा सुख मिलेगा। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है तो उसे ही महान कहा जाता है, और ऐसा वह महान पुरुष उस आत्मा के प्रति उद्योग करता है, पुरुषार्थ करता है, और उस आत्मा को प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करता है। और ये बात भी देखिए, पूरे अष्टोपदेश ग्रंथ में जितने भी सूत्र, जितने भी श्लोक, जितनी भी बातें आचार्य श्री ने कही हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में इतनी गहराई से उतरी हुई होती हैं कि हम उनको अपने जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ पाते हैं, और उसको बिल्कुल अपने ही पैमाने से बिल्कुल नाप सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ आचार्य श्री ने जो बात कही वो कितनी सत्य है। वैसे तो आगम में जो आचार्य ने कहा वो तो सत्य है ही, लेकिन हम खुद अपने प्रैक्टिकल से उसको माप लेते हैं कि कितनी बात सत्य है। और ये बात भी यहाँ पर यदि व्यवहारिकता से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास हमारा घर है और हमारी वस्तुएं हैं। यदि हम अपनी ही वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि हम कभी ये सोचें कि हम पड़ोस की किसी वस्तु का उपयोग करें,
उनकी गाड़ी का उपयोग करें, उनसे बिना पूछे उसका इस्तेमाल करें, तो फिर कहीं ना कहीं जाकर के हमें उस चीज से दुख मिलेगा। तो इन छोटी बातों से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो आत्मा और बहिरात्मा की जो बातें हैं, जीव द्रव्य, जीव तत्व और बाकी सब पदार्थों की बातें हैं, वो भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि हम भौतिक वस्तुओं में उनको मानते हैं। तो इस प्रकार से इसी कड़ी में एक परमानंद स्तोत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है। कहते हैं कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, और अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। सबसे पहले कहा कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तम चिंतन तो वही है जब हम आत्मा का चिंतन करें। फिर दूसरे नंबर पर मध्यम चिंतन वह है कि हम देह का चिंतन करें, शरीर का, शरीर के बारे में सोचें। पहले हमें आत्मा के बारे में सोचना है, उसके बारे में उसका भला देखना है, उसके बाद हमें शरीर का चिंतन करना है, शरीर के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तप होता है, शरीर के माध्यम से ही साधना होती है। तो आत्मा के बाद फिर शरीर के बारे में सोचना है, लेकिन वो भी मध्यम कैटेगरी में आएगा। और तीसरा कहा है कि अधमा काम चिंता से, फिर काम वासनाओं की या विषय वासनाओं की चिंता है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है, अनुराग है, उसके बारे में चिंता करना अधमा अधमा चिंता है, अधम है, सबसे निकृष्ट है कि हम अपनी इच्छाओं के बारे में, कषायों के बारे में, विषयों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यदि पर वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी भौतिक पदार्थ के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर वो क्या है? अधमा अधमा है। अभी हमने जो पहले इसके पहले जो अधमा अधमा में बात कही, ये सिर्फ काम वासनाओं के बारे में है कि हम अंतरंग से जो हमारी भावनाएं उठती हैं उनके बारे में यदि सोचते हैं तो वो अधमा है। और जब हम उन वस्तुओं, उन भावनाओं को लेकर के और वस्तुओं को सोचने लगते हैं, तब जाकर के वो अधमा अधमा हो जाएगा, अर्थात हम आत्मा से दूरी चले गए। तो ये जो बातें हैं, ये जब बातें कोई साधक सोचता है, ये जो चिंतन बार बार करता है, तो वह निर्णय पर पहुंच जाता है कि पर वस्तुएं पर हैं और आत्मा ही मेरा है, उसे ही सुख मिलने वाला है। तब जाकर के वह जो पिछले श्लोक में हमने बात कही थी, उस बात को वह सिद्ध कर पाता है। इसी के बाद जो अगला श्लोक कहा है कि कहते हैं कि अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विनंदति तस्य तत् न जातु जंतोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान शब्द कहा यहां पर, जो विद्वान नहीं वो अविद्वान कहलाता है। अविद्वान को हम मूर्ख भी कह सकते हैं, अविद्वान को बहिरात्मा भी कह सकते हैं। और जो बहिरात्मा होगा, जो मूर्ख होगा, जो अविद्वान होगा, बुद्धिहीन होगा, वो क्या करेगा? पुद्गल द्रव्यों का अभिनंदन करेगा। और जो व्यक्ति पुद्गलों का अभिनंदन करता है, जो व्यक्ति पुद्गलों का स्वागत करता है, उन पर आसक्ति रखता है, उनसे राग रखता है, तो फिर कभी भी न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गति में, चारों गतियों में वो सारे पुद्गल द्रव्य उसका पीछा नहीं छोड़ते। बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। चारों गतियों में भ्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमेशा विषयों के बारे में सोचते हैं, और जितना हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमें उससे राग हो जाता है, मोह हो जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? राग और द्वेष परिणामों के कारण से ही नवीन अशुभ कर्मों का, असाता वेदनी आदि कर्मों का बंद होता है। बहुत अच्छी व्याख्या कही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी वस्तु के संबंध को प्राप्त करता है, पर वस्तुओं के संबंध में आता है, तो वह उससे राग या द्वेष करेगा, एक कुछ होगा, या तो राग होगा या द्वेष होगा।
जब राग द्वेष करता है तो फिर क्या होता है, असाता वेदनी जैसे अशुभ कर्मों का बंध करता है। और जब अशुभ कर्मों का बंध होता है तो उन बंध का, उन कर्मों का जब उदय आता है तो फिर उसे दुख की सामग्रियां, दुख के साधन प्राप्त होते हैं और उन साधनों से वह दुखी अनुभव करता है। और दुखी का अनुभव करके फिर वापस पुनः उन्हीं कर्मों को बांधता है। तो ये पूरा चक्र चलता रहता है और इसी चक्र के कारण से पूरा संसार चलता रहता है। और जब तक ये राग द्वेष को हम कर्म नहीं कर सकते तब तक आगे की जो संसार की जो परंपरा है वो कम होने वाली नहीं है। इसीलिए यहां पर कहा कि जो व्यक्ति जिसका अभिनंदन करता है, जो व्यक्ति पुद्गलों का अभिनंदन कर रहा है वो पुद्गल भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। और ये बात बिल्कुल आप लौकिक व्यवहार में भी घटित हुआ देखेंगे। आप देख लीजिए अपने आस पड़ोस, आप सोसाइटी में, समाज में, आप जिसका अभिनंदन करेंगे, आप जिसका स्वागत सम्मान करेंगे वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और कई लोग इसी कारण से किसी दूसरे का स्वागत सम्मान अभिनंदन इसीलिए करते हैं। आपने देखा होगा कि मंचों पर नेताओं का अभिनंदन हो रहा है, किसी बड़े व्यक्ति का, क्यों करते हैं? जिससे कि ये व्यक्ति मुझे ना छोड़े, उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही तो उस माला पहनाई जाती है, उसका अभिनंदन किया जाता है। तो बिल्कुल 100% ये बात बिल्कुल जमीनी स्तर पर सही है कि जिसका हम अभिनंदन ज्यादा करेंगे वो व्यक्ति हमसे उतना ही ज्यादा जुड़ा रहेगा, वो वस्तु उतनी ही ज्यादा जुड़ी रहेगी। अब निर्णय हमें करना है कि किसका हमें अभिनंदन करना है और किसका नहीं करना है। तो ये निर्णय अपने आप से किया जा सकता है। लेकिन आचार्य श्री अपने व्याख्यान में दो बातें महत्वपूर्ण है जो कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि छोड़ने की बात हो तो छोड़ने के लिए तीन वस्तुएं हैं, तीन पदार्थ हैं, और जानने के लिए तीन लोग हैं। तीन लोगों को जानना चाहिए और तीन पदार्थों को छोड़ना चाहिए। तीन पदार्थ कौन से हैं? वो राग द्वेष और मोह, ये तीन पदार्थ छोड़ने योग्य हैं। यदि बा और इसके अलावा किसी अन्य वस्तुओं को छोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम छोड़ना नहीं चाहते। कई बार हम सोचते हैं कि चलो ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ने के लिए तो बस राग ही है, द्वेष ही है छोड़ने के लिए। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई आलू का त्याग कराया जाता है, आलू छोड़ो, आलू छोड़ो, बाहरी वस्तुओं को छोड़ो। अरे आलू तो बहुत काम की चीज है, इससे क्या दिक्कत है? भैया काम की चीज तो बहुत सारी है, हमें आलू नहीं छोड़ना है, हमें आलू से जो राग है ना वो छोड़ना है। और वो राग यदि छूट गया तो समझ लीजिए आलू प्याज सारी चीजें, जमी कंद छूट गया, रात्रि भोजन छूट गया, जितनी भी चीजें हम छोड़ने की बात करते हैं हमें वो चीजें नहीं, हमें उनसे राग छोड़ने का काम करना होता है। यदि राग नहीं छूटा तो भी छोड़ना भी ना छोड़ने के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप वापस सेवन करने लग जाएं, अभ्यास चलने दीजिए। यदि हमने एक बार छोड़ा है और राग नहीं भी छूटा है तो भी आप उसको रहने दीजिए, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा वैसे वैसे उन वस्तुओं से राग भी छूट जाएगा। इसलिए अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया है कि जानने के लिए तीन लोग हैं और छोड़ने के लिए तीन वस्तुएं हैं, राग द्वेष और मोह। अब एक बात और समझने की है, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा कि आखिर किसी वस्तु से राग द्वेष और मोह होता कैसे है। तो उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आचार्य श्री ने भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और वो बहुत ही उपयोगी है समझने के लिए। वो कहते हैं कि हमने एक पेंसिल ली, एक पेन लिया, कुछ भी लिया, कि ये पेन है मेरे हाथ में। अब ये पेन को यदि हम जानते हैं कि ये पेन है, ये लेखनी है और इसका उपयोग हम लिखने में करते हैं, इसका उपयोग लिखने के लिए होता है, तो फिर ये जो वस्तु है ना, ये इसके प्रति जो हमारा ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा।
क्योंकि हम सिर्फ इसकी उपयोगिता समझ रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम ये कहते हैं ये मुझे पसंद है, ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब इससे राग हो गया है। और जब हम कहेंगे कि ये मुझे ना पसंद है, ये मुझे ये पसंद नहीं है और ये बहुत बुरा है, इसका मतलब कि इसकी हमें द्वेष हो गया है। और जब हम ये कहते हैं कि ये पेन मेरा है, जब हम इस पेन को हम अपना मानने लगते हैं, पेन मेरा है, इसका मतलब कि इससे हमें मोह हो गया है। मेरे पने की भावना मोह है, उसके अच्छे और पसंदगी की भावना को राग, उससे जो घृणा है, उसको बुराई मानने की जो बात है वो द्वेष होती है। लेकिन जब उसे हम वस्तु के रूप में जानते हैं तो वो सम्यक ज्ञान है। तो हम इन सब चीजों को समझ करके अपना खुद आकलन करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, विद्वान बनना है कि अविद्वान बनना है, पुद्गलों का अभिनंदन करना है कि आत्मा का अभिनंदन करना है। यदि आत्मा का अभिनंदन करेंगे तो संसार से छूट जाएंगे, और पुद्गलों का अभिनंदन करेंगे तो चारों गतियों में भटकते रहेंगे। तो आज की इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर आएंगे नई बात के साथ। जय जिनेन्द्र।